गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। बादशाह आज तो ये बादशाह लग रहा है, मुझे तो बादशाह ही लग रहा है। बादशाह अब्दुल, बादशाह भाई मेरे, तू ठीक है भाई? तू ठीक है भाई? बादशाह पूरे 4 साल 8 महीने 12 दिन तुझे अपने दोस्त की याद नहीं आई? अरे उस हादसे के बाद किसी को यह तक भी नहीं पता तू जिंदा है या मर गया है। तुम यहाँ क्यों आए हो अब्दुल? ये तुम क्या बोल रहे हो बादशाह? कौन बादशाह? मैं कोई बादशाह नहीं हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। उस हादसे के बाद बादशाह मर गया। देख तेरे वापस आने के इंतजार में जितना मैं तड़प रहा हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा वो तड़प रहा है। सुल्तान, अरे हर दिन हर समय हर पल वो एक ही आदमी को याद करता है और वो है बादशाह। देख अब्दुल, तू जाके सुल्तान को बता देना कि बादशाह अब उस दलदल से दूर जा चुका है, दोबारा उस दलदल में कभी वापस नहीं लौटेगा। आना तो तुझे पड़ेगा बादशाह, क्योंकि इतने सालों से मैं तेरी तलाश में दर दर भटक रहा हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। चल बादशाह। तूने अपने दोस्त से हाथ उठाया? नहीं आशुतोष, ये हम दोनों के बीच का मामला है। जल्दी मिलेंगे बादशाह। सुल्तान आज मुझे बादशाह दिखा था। सुल्तान, रुक जाओ। सुल्तान, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि अपने पालतू कुत्तों और गीदड़ों को समझा के रखो कि वो शिकार करने की कोशिश ना करें। वो मुझसे जितना दूर रहेंगे उनके लिए उतना बेहतर होगा। इतने सालों बाद आज तू मिला है, खुश होने की जगह तू आग उगल रहा है। भूल गया अपने रिश्ते को? अरे किस रिश्ते की बात कर रहे हो सुल्तान? एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया, एक एक दाने का हिसाब तुमने मुझसे एक एक जुर्म करा के लिया। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? अब तुम्हारा मेरे ऊपर ना ही कोई कर्ज है और ना ही तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता। भूल गया क्या बादशाह? मैंने तेरे भूखे पेट को रोटी दी है और तेरे नंगे बदन को कपड़े। मैंने तेरे बचपन को एक नई जिंदगी दी। मुझे बाप का दर्जा देने की बजाय मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। ये मत भूलो बादशाह कि मैंने तुझे उस कचरे के ढेर से उठाया था जहाँ भूखे कुत्ते तुझे खाने में 2 मिनट लगाते। सुल्तान, तुमने मुझे उस कचरे के ढेर से तो उठाया, लेकिन उस दलदल में फेंका जहाँ चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। और हाँ सुल्तान, बाप तो मैं बन चुका हूँ। एक बाप के दिल में बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होती है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। और हाँ सुल्तान, एक बात मेरी और समझ लो, आज से तुम्हारे रास्ते अलग और मेरा रास्ता अलग। बादशाह, जुर्म की दुनिया में आने के तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है।
बचपन से आज तक तुमने मुझे जाना है सुल्तान, पहचाना नहीं। मैं फैसला नतीजे की परवाह करके नहीं करता हूँ, और ये आखिरी फैसला मैं कर चुका हूँ, और यहाँ मैं सिर्फ आखिरी बार आया हूँ तुम्हें ये समझाने कि अपने आदमियों से कह देना कि बादशाह से दूर रहे, क्योंकि बादशाह अब सारे बुरे धंधे छोड़ चुका है, अब वो दोबारा वापस लौट के उस दलदल में नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ सुल्तान, और दोबारा यहाँ लौट के कभी नहीं आऊंगा। बादशाह मेरे बेटे, तुम्हारी याददाश्त को क्या हुआ है? यहाँ सिर्फ आना मेरी मर्जी से है, और यहाँ से जाना भी मेरी मर्जी से है। कौन रोकेगा मुझे? पीछे मुड़ के तो देखो बादशाह। नहीं अब्दुल, बादशाह को मारने की गलती मत करना। वक्त ने बादशाह की ताकत और अहमियत को और बढ़ा दिया। ये तो एक छोटा सा दृश्य था, जिंदा बादशाह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बादशाह को वापस जरूर लाऊंगा मैं एक दिन।